बिजनौर कबड्डी में आपका स्वागत है। बिजनौर जनपद की नगीना पुलिस ने 8 चेकिंग अभियान चलाया। शहर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए उप जिलाधिकारी नगीना, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना और थानाध्यक्ष नगीना शहर के कई क्षेत्रों में रैंडम चेकिंग चलाकर लोगों को समझाने के साथ साथ चालान किया। कोरोना महामारी को लेकर बाजार में बिना मास्क निकलने वालों का भी चालान काटा गया। साथ ही शराब की दुकानों पर भी उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी ने संज्ञान लेते हुए चेकिंग की और दुकानों पर लग रही भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए शराब खरीदने की चेतावनी खरीदारों को दी। बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए नगीना पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इस अभियान के तहत भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एडीएम और सीओ नगीना शहर क्षेत्र के सभी प्रमुख चौराहे पर चेकिंग चलाया। नगीना पुलिस लगातार अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों पर नजर रख रही है और शिकंजा कसने का काम कर रही है और लगातार अपराधियों को पकड़कर जेल भेजने का काम भी कर रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैम, ये जो चेकिंग अभियान चलाया जाए इसका क्या उद्देश्य है? ये जैसा कि हम सब जान रहे हैं, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, और मोटरसाइकिल पे अगर दो सवारी है, महिला या कोई बीमार व्यक्ति छोड़ करके, तो उनका चालान किया जा रहा है। जो हटिया की जो चेकिंग हुई है उनका क्या उद्देश्य रहा? शराब की दुकानों की भी मेरे द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा चेकिंग की गई है, और इसमें जो है अवैध शराब या कोई गलत तरीके से इलिसिट लिकर तो कोई नहीं बेच रहा है, इसको चेक किया गया, सभी दुकानें सही पाई। और जो बिना मास्क की जो दारू दी जा रही है वो किस लिए क्यों दी जा रही है, जबकि ये बिना मास्क की जो दारू दी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या करें? हम लोगों ने निर्देशित कर दिया, हिदायत कर दिया दुकान वालों को कि अगर उन्होंने बिना मास्क के किसी व्यक्ति को शराब दी या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी ना दें, सामान ना बेचें।